जब तक हम ना बोलब केहू के भी अंदर मत आई दिया। माई राव इच्छा अनुसार ही होखी। पुत्र इस सप्त युद्ध बा जब तक ई तोहार हाथ में रही कौनो शक्ति तोहार कुछ ना कर सकी। ईला पुत्र हमार माई केहू के भी भीतर ना जाए देवे के आदेश देले बड़ी। तोहार माई आखिर के बाड़ी तोहार माई? जगत जननी हमार भी जननी बड़ी। परमेश्वरी हमार अर्धांगनी शिवानी तोहार माई बाड़ी? जगत के माई बाड़ी हमार भी माई बाड़ी। हम बानी विश्वेश्वर तू हमार रास्ता रोक रहल बाड़ा? तू अगर विश्वेश्वर बाड़ा तो हमार माई जगदेश्वरी बाड़ी और उनकर आज्ञा के पालन कैला हमार धर्म बा। हमार क्रोध के उजागर मत करा। क्रोध बा? क्रोध हमरा भी आयला। इस त्रिशूल के शक्ति के तू ना जानेला और इस गधा के शक्ति के तू ना जानेला। आदि शक्ति और जगदीश्वर के पुत्र नाथ विनायक के चरित्र के जानल बहुत आवश्यक बा। वेद पुराण में विनायक के महिमा कैल गेल बा। गणपति के नाम से जिनकर कीर्ति कैल जाला जौन देवता के उ विनायक ही बड़न। गण के अर्थ बा तत्व जे मूल तत्व से भरल बा। समस्त तत्व जन शक्ति से भरल बा उहे बड़न गणपति। तब का जगत में मूल कारण विघ्नेश्वरी बाड़े गुरुजी? हाँ विश्व के मूल आधार बाड़े विनायक और ग के अर्थ बा गति ज के अर्थ बा जननी। जेकरा ये सब प्राप्त होखेला जेकरा में ये सब समाइल रहेला उहे होखेला परमात्मा ज्ञान तत्व के आदि देव। विनायक के पहले पूजा होखेला का ओकर कारण ये बा? महागणपति केवल ज्ञान तत्व के आदि देवता ना बाड़न एकरा भी अतिरिक्त गणपति जौन बाड़न समस्त शुभ कार्य में प्रथम स्थान पाए वाला इकलौता वारिस बाड़न। विघ्न निवारण के नाम से उनकर पुराण में उल्लेख कैल गेल बा और यह कारण बा कि समस्त कार्य में प्रथम पूजा उनकर ही होखेला। उ परम ब्रह्म स्वरूपी बाड़न। अच्छा गुरु जी विनायक के नाम के मतलब का बा? विनाम नायक विनायक एकर अर्थ वा सर्व लोक के नायक जीव आत्मा के नायक। उपनिषद युग में
गणेश के नाम से कई गो घटना के वर्णन भइल बा और महाभारत में विनायक कीर्ति के पात्र निभौले रहलन। भिन्न भिन्न पुराण में विभिन्न रीति से उ देवता अवतार धारण कैलन। शिव विनायक के सृष्टि कैलन ऐसन लिंग पुराण में कहल जाला। और स्कंद पुराण में गणेश के सृष्टि स्वयं भइल बा। पूज्यवर, विनायक के सूंड और उनकर पेट के करा इंगित करेले? विनायक के जौन सूंड बा ओमकार के इंगित करेला और जौन कमल रूपी कान बा उ ब्रह्मांड के इंगित करेला। विनायक के हाथी में मुंह और मानव देह काहे बा गुरुजी? हाँ, गजमुख ही विश्व बा, मानव आकार जौन बा व्यक्ति बा, और दोनों ही ई बाड़न एकर इहे अर्थ बा। पूज्यवर, छोटा बड़ा बच्चा जौन विघ्नेश्वर के बहुत चाहेलन ओकर कारण का उनकर मुख बा? हाथी के मुख और बड़ा पेट, कमर पर पट्टी बांध के मूषक वाहन विनोदकार, ई सब से मनुष्य के बहुत संतुष्टि मिलेला। गणपति विद्या देवता बाड़न और विद्या गणपति उये नाम से प्रसिद्ध भइल बाड़न। पूर्व युग में मनुष्य के विद्या अभ्यास कराए खातिर अक्षर अभ्यास पहले होखत रहे। महागणपति नमः बोल के लोक शिक्षा आरंभ करेलन। विघ्नेश्वर से हर विपत्ति के रोक थाम करे खातिर प्रार्थना कइल जाला। आचार्य श्री, गणपति के पूजा करते समय एकाकी संबोधित कइल जाला का एकर मतलब ईबा की गणपति ब्रह्मचारी बाड़े? विनायक के रिद्धि सिद्धि नाम के ब्रह्मा के पुत्री संगे विवाह कइल गइल बा ऐसन प्रतीत होखेला। सिद्धि अर्थात रक्षक और रिद्धि के अर्थ बा लाभ, और एकरा से लोग के दुख के हरण होखेला। गणेश पुराण के महत्व का बा हमनी के समझाई ना? श्री मुनि, जितना भी उप पुराण बा सब में गणपति पुराण प्रथम बा। ए पुराण में 12,000 श्लोक लिखल बा और 250 के संख्या में अध्याय बा। गणपति के महिमा और उनकर लीला ए पुराण में रउआ देख सके नहीं। शिव पुराण, लिंग पुराण, मुद्गल पुराण, इस सब में विनायक के महिमा के उल्लेख कइल गइल बा। मुद्गल पुराण में गणपति के विभिन्न स्वरूप के वर्णन कइल गइल बा। पूज्यवर, सूंड ओमकार के इंगित करेला इत ठीक बा, लेकिन कमल के जैसन जौन कान बा उ केकरा इंगित करेला? कमल रूपी जौन कान बा युक्ता युक्ता विवेक के ओर इंगित करेला। गणेश के लीला ए गोना दू गोना, परमात्मा नाथ उनकर अनुग्रह से केहू वंचित ना रहेला। विनायक पुराण के जे भी भक्ति से पाठ करेला और जे श्रद्धा से सुनेला, जे उनकर स्वरूप के प्रतीत करेला, ओकर सब संकट और पाप इस सब के निवारण होके अपेक्षित इच्छा के वर प्राप्त करके ओकर जीवन धन्य हो जाला। खाली विद्या ही पर्याप्त नहीं खे, ओकरा साथ साथ बुद्धि के संगति भी होखे के चाही। जेकरा में ई दोनों होखेला उ लोकमान्य हो जाला। विनायक के चातुर्य कितना आश्चर्यजनक बा, ई रउआ ज्ञान प्रसंग के द्वारा जान सके नी। एक बार ऐसन भइल कि बाल विनायक और बाल स्कंद उ कैलाश पर। देवी, नारद के गीत और नंदी के स्नेह, सप्त सुंदरी लोक के नृत्य, भूत गण के वाद्य, ई सब हमार मन के बहुत शांति पहुंचावेला। देवी, तोहरा का चाही बतावा, अनुग्रहित करब। हे परमेश्वर, रउआ के लोक कल्याणक के रूप में देख के हम बहुत आनंदित बानी स्वामी। हमरा कौनो तरह की कमी नहीं खेबा। आहाहाहा, देवी, तोहार नाम जगदेश्वरी के नाम से सार्थक बा। देवी नारायण नारायण, जगदीश्वरी माई नमो नमः। कल्याण वस्तु परमेश्वर, ई एगो असामान्य ज्ञान फल बा, एकरा रउआ स्वीकार करी। काहे कि रउआ तो लोक कल्याणक बानी। नारद,
कला फैलावे में तू महान बाड़ा। ये तीनों लोक में सब जानेला। ये जवन फल बा ये कौन नाटक खातिर लाइल बाड़ा नारद? कैसन कला फैलावे के बा? देव ऋषि बिना कौनो उद्देश्य के बात ना करेलन स्वामी। अब प्रेम से अगर ज्ञान फल दे रहल बाड़े तो ओकरा स्वीकार ना करके ओकर तिरस्कार कैला ठीक बा का? महादेव ये ज्ञान फल के स्वीकार करी। शक्ति के बिना शिव ना और शिव के बिना शक्ति ना, फिर भी सबसे पहला स्मरण देवी ही बाड़ी ना, यही खातिरी फल तू स्वीकार करा। रउआ के छोड़ के ये ज्ञान फल के भला हम कैसे स्वीकार कर सकेनी स्वामी? काहे ना एगो काम करी, हमनी ई फल काहे ना आपन बच्चा लोग में बांटती? माई हम रउआ कनिष्ठ पुत्र बानी, ई फल हमरा दे दी। माई हम रउआ ज्येष्ठ पुत्र बानी, इहे खातिर ई फल हमरा दे दी। स्वामी ई का बोल रहल बाड़े? दोनों के दोनों ई फल हमरा द बोल रहल बाड़े, काहे ना ई फल ई दोनों में बांट देवल जाए? ज्ञानेश्वरी ई जौन ज्ञान फल बा एकरा कौनो एगो ही ग्रहण करी तब्बे फल मिली। देवी बच्चा लोग के बीच स्पर्धा रख के जे विजय प्राप्त करी ई फल ओकरे होखी। तब फिर स्पर्धा कौन चीज के होखे? जे जगत के चक्कर सबसे पहले लगाई उहे पाई ई असाधारण फल। हम अभी जाता नहीं, वायु से भी तेज जाके जगत के परिक्रमा करके तुरंत आ रहल बानी। विनायक स्पर्धा में तू विजय होखला इलिए ज्ञान फल तू लेला। कार्तिके तोहर भाई विनायक माई और बाऊजी के विश्व मान के उनकर परिक्रमा करके ज्ञान फल उहे प्राप्त कर ले लेबा। आई भ्राता ई जौन ज्ञान फल बा तू ही लेला। भ्राता ई फल पर तोहार अधिकार बा, तू तो विद्यापति बाड़ा, सबसे पहले पूजा तो तोहरे होखेला ना। हमरा से गलती हो गईल, तोहरा से आज्ञा ले ले बिना जगत परिक्रमा खातिर चल गई नी, तू एकरा स्वीकार करला। ओमकार के जौन अर्थ बा पिताश्री के ठीक से समझना और बुद्धिमान होखला, इहे खातिर ई फल तोहरा ही मिले चाही, तू ही ले ला भ्राता श्री। तू तो विश्व विनायक बाड़ा, ई फल तोहार बा। आहा कितना अनोखा भाई बाड़े, इनका ई प्रेम समस्त लोग खातिर आदर्श बा। देवी देखलू शनमुख भ्राता। शिव शिवानी रहुआ सर्वलोक कल्याणी बानी और पुत्र महिमा मई बाड़न, इस सर्वलोक के कल्याण करिहन। विद्यापति गुंगा रहलन, बोल ना सकत रहलन, उनकरा बप्पा महाज्ञानी बना देहलन। विद्या जौन बा जिकरा भी प्राप्त हो जाला ओ व्यक्ति के उकरा पर अहंकार ना होखे के चाही। प्रियजन विनायक के अनुग्रह से जे महाज्ञानी बनलन ओ विद्यापति के दृष्टांत हम सुनावतानी। शुक्लाम वर्धनम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनम ध्याय सर्व विघ्नो शांति।
मति आवा। संभाल के सुमति, संकष्ट हरण चतुर्थी पूजा में तू गणपति से कौन कौन सा विनती कैलू? स्वामी, ये है कि रउआ अनुग्रह के सदा काल बारिश होखत रहे और हमनी के देश के प्रजा सदा सुखी रहे, ई तरह से हम प्रभु से सदा सुमंगली रही ऐसन विनती कैले बानी स्वामी। सत्य कहलू सुमति, सर्व जन गण सुखी रहे के चाही, राजा देवता के समान होके के चाही, हमनी पे देव के कृपा बनल रहे के चाही। कल जौन बा युवराज के राज तिलक महोत्सव बा, तो ओ खातिर उत्साह त स्वाभाविक बाना स्वामी। राज धर्म सकुशल रूप से सब लोग के हित में होखी, लेकिन संस्कृति के अनुसार गुणगान हो पाई कि ना, ये सोच रहल बानी। हमनी हमेशा गणपति के मंदिर में जाके गणपति के गुणगान करके पूजा करेनी, ये संस्कृति बाना, ये खातिर हमनी के विद्यापति पूजा करे खातिर जाए। बेटा विद्यापति, गणपति के पूजा आराधना करके तू आ जाए बाना। हमनी के विद्यापति के हाथ से वो विनायक के पूजा हो लाग रहल बा, विनायक के ये इच्छा बा, ऐसने होखी। सुमति, हमरा राज महल ले जाए खातिर सारथी आ गइल बा, तो हमरा जाए के चाही। एक मिनट। का भइल विद्यापति? का भइल? अच्छा तो हम जा रहल बानी। हे विनायक, विघ्न विनाशक, भक्त वत्सल, करुणाकारी, सबके सर्व मंगल हो बापा। विद्यापति आराम से जाइया, डरिहा मत। हाँ इला एकरा संभाले बना, अपन हाथ आगे करा, लावा हाथ आगे करा, नीचे ना गिरे के चाही, ठीक बा? संभाल के आराम से जाके गणपति के इन्हें देखा, गणपति के पूजा करके आरती उतार के आ जाए बना। हमार राजा, आराम से जाइए, आराम से जा, आराम से जाइए बेटा। हे प्रभु रक्षा करिहा। Mm-hmm.
विघ्न विनाशक, भक्त वत्सल, करुणाकारी, सबके सर्व मंगल हो बाबा। हाँ विद्यापति, अरे बाप रे, ईका हो गई, का हो गई ली। अरे सब कैसे हो गई, बताना कहाँ भाई, कुछ बताना। हे विनायक, आराम से। हे विनायक, ये जौन बच्चा बा, ये तो गूंगा बा, ये और काका सहन करी देवा, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर के पुत्र। जब हम संतान पाए की विनती कहनी, तो ये पुत्र भाग्य हमरा के देला, और एकरा हम गूंगा ही स्वीकार कर लेनी प्रभु। अब ऐसन काहे कहला, अब हमनी और कितना परीक्षा लेबा। वह गुणगान करके आराधना कहला, ये हमनी के ये बेचारा के साथे ई तरह काहे कहला। बोला देवा, उत्तर दे देवा। विद्यापति, तोहर बाऊजी अगर तोहरा ई परिस्थिति में देख ली है, तो उनकरा बहुत दुख पहुंची। तोहर घाव पर हम लेप लगा देत बानी, हम पत्ता लेवे जाता नहीं और तुरंत आ जाए। हाँ, तू यही जे पर रही हा, हम अभी आ जाए, डरी हा मत, ठीक बा। रउआ रउआ, हमर जन्म काहे कैली, हमरा ई जीवन ना चाहिए, हमरा ई जीवन ना चाहिए। बापा, हम अपन जीवन में कुछ भी सिद्ध ना कैले बानी, इस जगत के हम आज तक कुछ नहीं की देले। हमरा ऊपर दया करी, हमरा वरदान दी, रउआ परम भक्त के पुत्र बानी हम, हमरा से ऐसन कौन अपराध भइल बा। हे बुद्धि प्रदायक, हमार जीव पे करुणा दिखाई, बात करे के शक्ति दी, विद्या भी रउवे देई ना, बुद्धि भी रउवे देवे नी। हे विनायक, हमरा विद्या ना देबा, हमार बुद्धि ना देबा। बप्पा विनायक, हमरा विद्या दा, बुद्धि दा। ना देबा, ना देबा तो हम का कर तारी, देख ले। देख ली, अच्छा तरह से देख ली, हम क्या करता नहीं।
हे परम भक्त विद्यापति, अब तू सावधान हो जा, काहे कि तोहरा बात करे के शक्ति दे देवल गईल बा। हम जौन तोहरा उपदेश के मंत्र देले बानी ओकर स्मरण करी हा। तोहार विद्युति बनवा, ज्ञान ज्योति बन के विद्या के प्रकाश फैलाइया और पूरा जगत में देवलोक के भाषा संस्कृति के क्षेत्रीय भाषा में बोल के ज्ञान प्रचार करिया। तुहार विद्यापति जौ नाम बा एक। सुमति, ई हमनी के बेटा विद्यापति बा। जी हाँ, ई हमनी के ही बेटा बा विद्यापति। विद्यापति बेटा विद्यापति। माई, बाबूजी, विद्यापति, तो हर बात सुने खातिर कान तरसत रहे और आज तू बोल सकत रहल बाड़े। गणपति बप्पा, ये हमनी के विद्यापति ही बा। जन से जे बोलत ना रहे हमनी के है बेटा बा। बाबूजी, विद्यापति ही ककर रहल बानी बाबूजी, हमरा और बेटा बानी। बाबूजी, बड़का बड़का बात मत करिए, हम कुछ बने नहीं की चाहत, ना ही हम राजा बने चाहता नहीं, हम तो राउर बेटा ही रहल चाहता नहीं। विद्यापति, बाबूजी, विद्यापति, बाबूजी, हम विश्व विनायक से प्रार्थना कहनी, सिद्धि विनायक साक्षात प्रकट भइलन, हमारा बात करके शक्ति देलन, हम विश्व विख्यात कवि बना बैसन, हमरा वरदान भी देलन, ई देवता के आराधना करके शक्ति मिल गई। विश्व विनायक के अनुग्रह पहला सौभाग्य बा। बचपन से तोहार बात सुने चाहत रहनी, ई अवसर आज मिलल। विद्यापति, जब तू गणपति के पूजा करे खातिर गईला, तब हम ई सोच के डरत रहनी कि पता ना का होखी। हाँ। बाबूजी, रउआ से एगो बिनती बा। हाँ, हाँ बोला बेटा। अब से रउआ हमरा गूंगा बोल के तना पुकारब ना। ना ना बेटा। हाँ? कभी ना, जीवन में हमने कभी तोरा ई तरह ना बुलाई। विद्यापति। माई, माई, हमरा माई बोलला, एक बार फिर से बोला। माई, माई, एक बार फिर से बोला बेटा। माई, उठ जा बेटा। हाँ बेटा। माई, विनायक, हम अपन आँख पर विश्वास ना करे पा रहल बानी, धन्य बानी रहुआ देवा। विद्यापति, तुहार आवाज सुन के हम धन्य हो गई नी। बाबूजी, हमरा देश भ्रमण खातिर जाए के बा, विश्व विनायक देवता के महिमा के प्रचार करे के बा, और ओकरा खातिर देश के हर राज्य में देव भाषा संस्कृत के प्रचार करे खातिर जाए के बा। हाँ। बेटा, तोहरा अनुपस्थिति में हम भला कैसे जी सकब। सुमति, हमने के विद्यापति कला तिलक बा, परुष सरस्वती देव अनुग्रह प्राप्त, ओकरा ज्ञान के प्रचार करे खातिर जाए के बा, जाए दा। हमरा आज्ञा दी। विश्व विख्यात बाबा, समस्त विश्व होके ज्ञान ज्योति फैला के प्रदीप बना। बाबा, विश्व विनायक, तुहार अनुग्रह सदा हमनी पर बनल रहे देवा। धीरे धीरे सुना के हमरा अपना तरफ खींच रहल बानी बप्पा। ए स्वामी। हाँ? ओहिजे अकेले अकेले बैठ के का बड़बड़ा रहल बाड़ा। बप्पा विनायक, हम मोक्ष पावे खातिर एहिजा पे बैठल बानी। अच्छा, तू के बाड़ा ई तो बतावा, इतना सुंदर बांसुरी बजा रहल बाड़ा के हम स्वामी। हाँ? हम गाय भैंस चराए वाला ग्वाला। हाँ? बानी ओ देखा, मैदान में हमार गाय भैंस घास। हाँ? चर रहल बाड़ी। हाँ?
तनी आराम करे खातिर एइजा बैठ के हम बांसुरी बजावत रहनी। सब लोग हमरा गोपाल बोल के बुलावेनी स्वामी। एइजा बैठ के लकड़ी के बांसुरी बजावत रहनी तो तू बैठे बैठे कुछ बड़बड़ात रहला, लेकिन हमार समझ में कुछ न आए। अकेले बैठ बैठ के का बड़बड़ावत रहला। तू इतना सुंदर बांसुरी बजावत रहला कि यही खातिर सुनत सुनत एइजे बैठ गई नी और सुने लगनी। स्वामी रउआ गाँव कहाँ बा? जहाँ भी चल जाए नी उहे हमार गाँव हो जाएला गोपाल। ऐसे रउआ काम का करे नी? पूरा जगत के भ्रमण करके विभिन्न राज्यों में गणेश के महिमा के प्रचार करे नी। प्रचार करेला? तब तो रउआ बहुत बड़का ज्ञानी बड़ा और प्रचार तो संस्कृत भाषा में करेला ना। संस्कृत भाषा हमरा बहुत अच्छा लागेला। संस्कृत हमार जान बा। संस्कृत भाषा में आपन महिमा सुनावे खातिर गणपति बप्पा हमार चयन कैले बाड़े। सुनले बानी संस्कृत भाषा में बहुत सारा संदेह बा। एकरा में कोनो संदेह नहीं के ऐसन के कहले बा। बहुत संगति से मिल के ज्ञान भरल बा। एकरा में ज्ञान भरल बा। ऐसन तो रउआ बोल रहल बानी स्वामी। एगो बात हम बता बतानी सुनी। एक बार एजा से कुछ दूरी पर एगो बूढ़ा आदमी हमरा समझावत रहे। वो ऐसने बात करत रहे जैसे रउआ कर रहल बानी। वो का कहले रहल हम बताई स्वामी। का कहलस उ गोपाल? वो कहलस तो बहुत कुछ लेकिन हमार समझ में कुछ ना आयल। लेकिन वो कहलस कि हमनी के ज्ञान मुट्ठी भर के होखेला, जबकि ज्ञान जौन बा समुद्र के तरह विशाल बा। अगर केहू कहे कि हम ज्ञानी बानी तो वो अहंकारी भइल ना। स्वामी हमरा कुछ दिखाई दे रहल बा। भूख लागल बा का? हम एइजा फल खइनी। तू द्वापर युग के कृष्ण बाड़ा गोपाला। एइजा बहुत देर से बैठल बाड़ा, भूख लागल होखी। जामुन खाला बहुत अच्छा लगी। एगो फल खाके तो देखा। ई दे ही हमरा खातिर। स्वामी जामुन तोड़ के दी। हाँ तोड़ के दा, तोड़ के दा। स्वामी गरम फल चाही कि ठंडा फल चाही? फल मीठा खट्टा खारा कड़वा ये सब तो हम चखले बानी, लेकिन गरम फल और ठंडा फल भी होखेला का? ठंडा फल ही तोड़ के दा हमरा। स्वामी हा? फल तोड़ के दी। तोड़ दा भाई तोड़ दा। ए स्वामी फल गरम बा का? लकड़ी के बांसुरी से इतना मधुर स्वर निकललस एकर मतलब हम समझ ना पैनी, लेकिन संस्कृत भाषा के हम फैलावत रहनी। हम सबसे ज्ञानी बानी ऐसन हमरा लागे लागल, पर तू आँख खोल देहला। अच्छा बालक गोपाल तू के बड़ा बतावा? हमरा ठीक से देखा, मन के आँख से देखबा तब दिखाई देब। गोपाला 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 बप्पा गोपाला गोपाला बप्पा। ये हमार रउआ से विनती बा। गृहनाथ चंद्र आपन सुंदरता के अहंकार में आके विनायक के विकृत बोल के उनकर परिहास कैलन और विनायक उनकरा के श्राप दे देहलन। फिर वो कृपाकारी विनायक से क्षमा याचना कैलन और विनायक चंद्र के उकरा से विमोचन पाए के उपाय बतैलन। नारायण 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 का बात बा? आज शीत इतना अधिक का है बा? ऐसन लाग रहल बा जैसे चंद्र हमरा बह में ले 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 बा। त्रिलोक संचारी देव मुनि
हे ब्रह्मपुत्र, रउआ के इस सुधाकर के प्रणाम। मंगल हो। इतना आतुरता का भइल, कहीं जा रहल बाड़ा? ये यात्रा कहाँ के बा? देव ऋषि, रउआ तो तीनों लोक के संचारी बानी, हमर जैसन केहू सुंदर बा का? नारायण नारायण, काहे कौनो संदेह हो रहल बा? तू ही सुंदर बाड़ा। हे महामुनि, हमरा से भी अति सुंदर भला और के बा? दक्ष के 27 नक्षत्र पुत्री हमारी मनोहर रूप पर मोहित हैं और हम उन नक्षत्र के संगे विवाह रचैले बानी, और हमार वर्चस्व अभियो कम ना भइल ना? आज भी सुंदर बाड़ा, आज भी रउआ ही सुंदर बानी। नारायण नारायण, रउआ अश्विनी नक्षत्र के बहिन से बिहार रचैनी, लेकिन लेकिन रउआ कहल का चाहता नी मुनिवर? चंद्र, रउआ तो हमेशा रोहिणी नक्षत्र के पास ही रहेला ना। रउआ सब पत्नी दक्षिणा नक्षत्र से दूर ही बाड़ी ना। दक्ष ई तरह दूर रहे खातिर रउआ के श्रापित कहले बाड़े ना। हर श्राप के विमोचन हो खेला देव ऋषि। चंद्र, राउरी शरीर का भेल, आगे बोली ना। नारायण नारायण, हम ई बताया तो चाहनी ना, लेकिन संकोच हो रहल बा। लेकिन हम बता के ही रहब। अच्छा, 27 दक्ष पुत्री लोक से बिहा करे वाला रउआ देवता लोक के गुरु बृहस्पति के पत्नी के अपन मन कैसे दे देला? ई तक गुरु पत्नी के साथ धोखा बा ना। गुरु पत्नी के हमारी काम रूपी देह मोह लेलस। तो एकरा में हमार कौन दोष बा? बोली मुनिवर। नारायण नारायण, ई भूल बा, महापाप बा, गुरु पत्नी संगे गमन। इतना आसानी से ओइजा जाके बुध ग्रह पर दैहिक सुख पाए चाहेला? देव ऋषि, जे होखे के रहे हो गइल, लेकिन नारायण नारायण, रउआ के मार्ग में हम रुकावट डालनी, रउआ ई जौन रास्ता बा शिवधाम के ओर जाएला। कहीं ऐसन त नहीं के कि शिव के अपेक्षा हो गइल बा? चंद्र, कौनो वर पाए चाहेला का? ना, त्रिलोक सुंदरी यानी जगत माता के पुत्र विनायक उ कितना सुंदर बाड़े ई देखल चाहता नी। ओजा गईला के बाद ही पता चली कि उ के बाड़े। उ गौरी के चतुर पुत्र बा, जरूर जाके मिला। रउआ कितना सुंदर बानी, रउआ सुंदर रूप के विनायक बहुत सम्मान दी है। नारायण 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 नारायण। कैलाश पर्वत अचानक से इतना प्रकाशित कैसे हो गई? शिव के खातिर कौनो संदेश बा का रउआ के बानी तेजस्वी? इस सृष्टि में सबसे सुंदर जौन नाम बा उ चंद्र बानी। अंबिका पति चंद्रमा बानी? त्रिलोक सुंदरी जगत मात्रा के सुपुत्र विनायक के देखल चाहता नी। ओ विनायक हम ही बानी। हाँ? हाँ? तू बड़ा विनायक, ढोल जैसन पेट और ये हाथी के सूंड एगो विचित्र प्राणी के तरह बा। कितना विकृत रूप बा, कितना भयानक बा। इतना विकृत रूप। हमार परिहास बंद करा, तू हमरा देख के विकृत बोल रहल बाड़ा? जब तोरा के अपन स्वरूप पर इतना घमंड हो गइल बा, तभी ऐसे तू कुरूप हो जाइबा। परमात्मा परमात्मा, हमरा के सुंदर होखला के घमंड हो गइल रहे। परमात्मा, हमरा के अहंकार हो गेल रहे, हमरा इस शराब से मुक्त कर दी। परमात्मा,
देवा हमरा के क्षमा कर दी। हे परमात्मा हमरा पूर्व रूप देवे के हमरा ऊपर कृपा करी, हमरा हमार सुंदरता लौटा दी। चंद्रमा दे देवर गई श्राप वापस ना लेवल जा सकेला, जब तक श्राप से विमोचन नहीं खे मिल जात तू कुरूप रहबा। ऐसा मत करी देवा, दया करके हमरा हमार सुंदरता लौटा दी। हे परमात्मा रहुआ हमरा ऊपर कृपा करी, हमरा ऊपर करुणा करी। तू हमार परिहास उड़ाईला, ये खातिर तू श्रापित होखेला। चतुर्थी के दिन जे पहले तोरा के देखी ओकरे से श्राप मुक्ति के रास्ता मिली, जे हमार ध्यान करी वो हमेशा आरोग्य मुक्त रही। हे पिता, हे विश्व विनायक, हमरा जौन घमंड रहे अब वो टूट गई बा, हमरा पे दया करी, अब हम घमंड ना करब, हम पश्चाताप कर चाहत नहीं। जगन्नाथ के सपुत्र गणनाथ के ई सूर्य पुत्र वंदना कर रहल बा। के काक वाहक आई ग्रह देवा रउआ माया अपरंपार बा, सबके पीड़ा के हरण करेला रउआ स्वागत बा। एही जाए के कारण काबा ई हमरा बता सकेला ग्रह नायक, बताई। विश्व विनायक रउआ तो सब जाने नी ई सब का है। ई ब्रह्मांड में देवतागण और दानव और मनुष्य ई सब के सब हमरा अधीन रहे के चाही, और पूजा हमार भी होखे, भले ही पूरा ना होखे लेकिन आधा पूजा हमार नाम के भी होखे के चाही। 7.5 साल तक सुन ले बानी तोहर छाया पड़ रहेला, एकरा से बेसी हम रउआ खातिर और का कर सकेनी। काकरत स्वामी हे सनीश्वर, रउआ हमरा के कौन नक्षत्र में ले जाए के बारे में सोच रहल बाड़ा। शिव कुमार शैवालिनी मानस पुत्र, आज हम रउआ के चंद्र के जो नक्षत्र में भेजल गईल बा वही नक्षत्र में लेके जाई। ओ त ऐसन राउर इच्छा बा, लेकिन अभी तक चंद्र कहीं दिखाई ना दे ले बा, जब वो खुदे प्रत्यक्ष ना हो पा रहल बाड़े त अश्वनी नक्षत्र में हमरा कैसे लेके जाई बा, बतावा। रउआ हमारे प्रश्न के उत्तर दी। ठीक बा त्रिलोकी सुंदरी पुत्र, आज तो हम जा रहल बानी, कल पुनः आई। उमा पुत्र आज तू हमरा हाथ से बच ना पैबा। विद्याधिपति रउआ के सूर्य पुत्र प्रणाम कर रहल बा। अरे आई सनीश्वर पधारी, चंद्र अभी तक दिखाई ना देलन तो ऐसे में हमरा राउर इच्छा कहाँ ले जाए के बा। चंद्र अगर दिखाई ना दे रहल बा तो कौनो बात नहीं खे, आज हम सोम ग्रह जा रहल बानी, लेकिन याद रखी हा कल हम फिर आई। हे महागणपति विनायक रक्षा करे, रक्षा करे, हमार पति के क्षमा कर दी। तू के बाड़ू हमरा से विनती काहे कर रहल बाड़ू। रहुआ परम परमात्मा बानी, हम बानी चंद्र के पत्नी, दक्ष के बेटी रोहिणी। चंद्र के पत्नी बाड़ू? हमार पति से गलती हो गई बा प्रभु, उनकरा के क्षमा कर दी, क्षमा कर दी। तुहार विनती स्वीकार भइल, तुहार पति के पूर्व रूप मिल जाई, हम उनकरा के श्राप मुक्त करतानी। तोहरा तुहार पूर्व रूप प्राप्त हो चंद्र, तथास्तु। देवा हमरा हमार स्वरूप लौटाए की कृपा कहनी, धन्यवाद। हमारा अहंकार टूट गेल बा एही खातिर आज से राउर आचरण में रहब। हम राउर कृतज्ञ बानी, हम पवित्र हो गनी देवा।
कृपाकारी, हे मंगलकारी, विश्व विनायक, पाप विनाशक, राउर कृपा से हमरा हमार सुंदरता पुनः मिल गई। हम राउर अभारी बानी, हमरा आज्ञा दी है। राउर मंगल होखे। विघ्नेश्वर सनीश्वर राउर वंदना कर रहल बा। आज के दिन कौना भी कारणवश हम रउआ के छोड़े वाला नहीं खी। हे काकृत वाहक, आ गई ला, अब का कही का करी। उ चंद्र अभी तक दिखाई ना दे ले बा, तीन दिन से सब तरफ अंधेरा बा। ई बताई रउआ हमरा कौन नक्षत्र से ले जाके कौन नक्षत्र में छोड़ बा। सनीश्वर, हम रउआ के अश्विनी नक्षत्र में ले जाके पुष्य नक्षत्र में ले जाके छोड़ दे। ओहो, लेकिन सनीश्वर, अश्विनी नक्षत्र में रउआ हमरा लेके जाइबा, लेकिन ई होकी कैसे? काहे कि चंद्र आज पुष्प नक्षत्र से निकल जाई, काहे कि आज शरद पूर्णिमा बा। ई खातिर रहे दा, हट छोड़ दा। संकटहारा विद्या आदि देवता गण गणपति, रउआ बहुत ही चतुर बानी, लेकिन आज हम रउआ के ना छोड़ब। एक बार हम राउर पिता से मिले गैल रहनी, इहे कैलाश में आयल रहनी, ऊ पुछलन हम कहें आयल बानी। दूसरा दिन हम आके देखनी तक कैलाश पर्वत पर राउर पिता शिव ध्यान में बैठल रहलन, तो ऊ दिन हम चल गईनी। और दूसरा दिन कैलाश के चोटी पर परम शिवम विराजमान रहलन, तो ऊ दिन भी हम कुछ ना बोल पैनी। रउआ ओही पिता के वारिस बानी, जा रहल बानी। हे सनीश्वर, हमार रउआ से एगो प्रार्थना बा। का बा परमात्मा, बोली का बा? हे सूर्य पुत्र, रउआ हमार भक्त लोग पर कृपा करिया और उ लोग पर अनुग्रहित रहिया। ऐसने हो कि विश्व विनायक। महाशक्तिशाली महाशिव भक्त नाथ रावण महाशिव के घोर तपस्या कई के शिव से आत्मलिंग वर में पैलस। समस्त देवतागण में हलचल मच गए और सब विनायक के पास जाके विनती कैलन। ओकरा बाद ऊ परमात्मा विनायक लोक कल्याण हेतु बाल ब्रह्मचारी के रूप धारण कई के ओह रावण से शिव के आत्मलिंग पुनः प्राप्त कर लेलन। हम ओ घटना बता रहल बानी, ध्यान से सुनिहा। वीर पुत्र के जननी वीर माई परेशान का है बाड़ू, घोर तपस्या करके शिव के आत्मलिंग लाके राउर चरण में रख दे। चिंतित मत होखी, हम शिव के घोर तपस्या करब और शिव के आत्मलिंग पा के रहब, हमरा आशीर्वाद दी है। पुत्र विजय भव। ऐसा किए बा, हमारे सामने आवा। कहे कि ऊ जगह बा जहाँ रुद्र ब्रह्म से वरदान प्राप्त कैले रहनी। हमार माई आत्मलिंग रक्षा के पूजा करे खातिर हमरा इस जगह पर भेजले बाड़ी। अग्नि, वायु, समुद्र देवता, अमरनाथ इंद्र, कुछ भी हो जाई ई रावणेश्वर छोड़ी ना, हम अपन माई की आज्ञा के पालन करके रहा। आत्मलिंग खाती बीच समुद्र में जाके जप करब, अपन 10 गो सिर के एक करके एक जगह पे बैठ के घोर तपस्या करके शिव के आत्मलिंग के प्राप्त कैले बानी। विष्णु के चक्र, ब्रह्म से वेद, सूर्य से तेजस्व और चंद्र से अमृत किरण पाए वाला शिव
हमरा आत्मलिंग दे दहलान, आकाश के सौगंध, धरती के सौगंध। रावणेश्वर के सौगंध। सृष्टि के कौनो भी शक्ति रावण के कुछ नहीं के बिगाड़ सका। सब लोग के अपना अधीन ला के रहब। हे अमरनाथ, अब तो इंद्र के सिंहासन हमार बा। तोहरा उस स्थान से निकाल के हम जाके उस सिंहासन पे बैठा और सब देवता के अपन अधीन कर ले। रावण के केहू कुछ नहीं के बिगाड़ सका। कहे कि रावण में वीरता, धैर्य और शौर्यता पूरा तरह से समाइल बा। ए समुद्र देवता। इंद्र के अपन चरण में रखा, चाहे केहू भी काहे ना होखे, हम छोड़े वाला नहीं थी, हम छोड़े वाला नहीं थी। शिव से आत्मलिंग प्राप्त कैला के बाद रावण समुद्र के राजा और इंद्र लोक के अधीन करे के चेतावनी देलस और अमरावती में आक्रमण कैलस। रावण आपन भक्ति से शक्ति प्राप्त कैलस बोल के कहलस कि ओकरा से बड़ा केहू तपस्वी नहीं खे और वो नारायण के अपना अधीन करे के चेतावनी दे देलस। देव राजा इंद्र और समस्त देवता लोग नारायण के पास गईलन और रावण के उपद्रव देवता के शांति छीन लेले बा उनकरा से मुक्ति खातिर अनुरोध कैलन और नारायण अभिनय के द्वारा विनायक बन के परिहार करब ऐसन बोल के तथास्तु कह देलन। सूर्य देव अति शीघ्र ही अस्त होखे वाला बाड़े। हाँ, सूर्य पश्चिम में अस्त होखी है और उकरा से पहले शाम होखे से पहले जप करे के पड़ी। हम शाम ना होखे दे, लेकिन ऐसा केहू नहीं खे। शाम जल्दी होखे वाला बा, कितना अजीब परिस्थिति बा। हाँ। ओ बाला तनी केने आवा। ओ बाला तनी केने आवा। ओ बाला तनी केने आवा। ओ बाला ये बालक तो देखला में बहुत अजीब लग रहल बा। जनेऊ, विभूति, बाल ब्रह्मचारी लग रहल बा। ए बाल ब्रह्मचारी। जी हाँ, हम बाल ब्रह्मचारी ही बानी। तुहार गांव कहाँ बा? तुहार जननी जनक के बा? और तुहार नाम का बा? हम रहे वाला बानी हिमगिरी के। हमार बाबूजी के नाम बा राजशेखर भट्ट और माई के नाम बा गजगौरी और हमार नाम बा गजवदन भट्ट। हाँ? एजा कहे आई बड़ा? आपन दोस्त के यहाँ बहुत खाना खा लेनी, तनी आराम करे खातिर हम यही जा आई। गजवदन भट्ट, हमारे को सहायता करबा। मदद? और हम वो रउआ खातिर? हाँ,
देख संध्या होखला तक ये लिंग के अपन दोनों हाथ में रखी है। ठीक बा, लेकिन जल्दी आ जाइया। बस गई नहीं और रही नहीं, हम जल्दी आ जाए। कौनो कारणवश नीचे मत रखिया, समझला? लेकिन हमारे एगो अनुरोध बा। कैसा अनुरोध? अगर हाथ दुखे लागी तो हम रउआ के 3 बार आवाज लगाए, और अगर रउआ ना आईनी तो हम लिंग के धरती पर रख दे। पहले आवाज में आ जाए, नीचे मत रखिया। जल्दी से आवा। हमार हाथ दुख रहल बा महाराज। महाराज बालक ना, रुक जा बालक ना बालक ना। ई का कैला तू? का कैला? बालक तू ही कैसन अनर्थ कर देला। परमात्मा देवा, हम ई हाथ से कैलाश के अपन कंधा पे उठौनी, तोरा लंका में ले जाए बिना हम ना छोड़ा। उठाई हमार शक्ति के परीक्षा ले रहल बानी कुनेश्वर। विशाल रूप ले रहल बानी हम, ले जा के रहा समुद्र में स्थापित होखबा, समुद्रेश्वर कहलाइबा, गुण रूप धारण करबा, गुणतेश्वर बनबा। हाँ, क्रोधित होके देखबा क्रोधेश्वर। हमरा के का समझ ले बानी रउआ, हम रावणेश्वर बानी, तोहार सिर के टुकड़ा टुकड़ा कर दे। विनायक दानव सुर से युद्ध कैलन। प्रियमवद विनायक से अपन पति के भिक्षा मंगली, एहलिए विनायक मूषक नाथ दानव के अपन वाहन के रूप में दे के प्रियम्बद के याचना के स्वीकार कैलन। राजा धीराजा, राजा मार्तंड, राजा महाराजा,
राजा गंधीरा, सब लोक के राजा, निरंतर भयंकर संग्राम सेवा करण, अति विशाल खंड नायक, महा महा महाराजा धीराज, श्री 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 पूजिका सुरेंद्र प्रभु। सतु इंद्र, दानवेंद्र, देवता लोक के तरफ से युद्ध भूमि पर का हो रहल बा ओकर जानकारी के कौनो संदेश आइल? संदेश तो कौनो नहीं खे आइल, दानव लोग के विरोध में जितना भी देवी देवता बाड़े सब में हलचल मचल बा। हलचल मचल बा तो मचे दा, अपना आप के अमर समझलन ना, दानव शक्ति सबसे शक्तिशाली बा। प्रभु, ज्वालामुखी दंड नायक युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त हो गई लन। ये अब सगुन के संदेश देवे खातर आइले, चल जाओ। काहे न प्रति शंभू के भेज दी? कल जे युद्ध होकी ओकरा में खुद हम जाए, वो देवता लोग के सिर धड़ से अलग करके उनकर जौन खून होकी ओकरा निकाल के ओकर हम सेवन करब। वो देवता लोग के घमंड तोड़े खातिर रउआ के समर्थन में के आई? प्रभु, हमार समर्थन में आए खातिर जितना भी दानव बाड़े वो हमरा के वचन देले बाड़े, वो देवता लोग के जौन घमंड बा चूर चूर कर दे। वो खाली मायावी ना बाड़े प्रभु, वो बहुते चलाक भी बाड़े। समुद्र मंथन के समय सब अमृत उ लोग से छीन लिहल गई, तो रउआ उनकर चालाकी समझी सब के सब अमृत स्वयं पी के उ लोग अमर हो गई बाड़े। अमर हो गई लन सप्तवर पाए खातिर संजीवनी विद्या हमनी के गुरु शुक्राचार्य के पास बा। संजीवनी विद्या हमनी के पास भाई जानता नहीं, लेकिन देवता गुरु बृहस्पति के बेटा गणपति युद्ध करे आई हैं, और वो गणपति के लीला एगो ना दूगो ना। अरे ओ मंत्री, वर के अनुग्रह से पायल जाएला, साथ में उनका उपयोग करे भी आए के चाही। अवश्य करी है, पूरा शक्ति से करी है। देवता लोग के वध करके उनकरा के खत्म करे खातिर भस्मासुर जब आये तब शिव आपन खुद के रक्षा करे खातिर एकदम कायर बन गईल और रूप बदल लेलास। वो नारायण अभिनय में बहुत चतुर बाड़े, काहे कि उनकर अभिनय के रउआ समझ ना पाई। छी छी, आइजन कुछ नहीं खे, शरीर के ऊपर राख मल के लईकी लोक के तरह नाच के वो भस्मासुर के वध कैलस। ई कौन सा साहस बा, कौन सा पौरुष बा, दानव बंधु महिषासुर के शिव श्राप देले रहन ई बोल के कि तोर माँ कौनो आदमी के हाथ से ना कौनो औरत के हाथ से होखी, तसब देवता लोग उनकर जौन शक्ति बा त्रिलोक सुंदरी से ई कहलन, तब कहीं जाके महिषासुर के वध बहिल। छी कायर कही के। और हिरण्यकश्यप के जब वध कहलन? हाँ, वो एगो तंत्र रहल, एगो इंसान के मुंह पर सिंह के मुंह लगा के नरसिम्हा बना के ओकर हाथ से हिरण्यकश्यप के वध करवाइल्स। और आई संचर कपट के युद्ध के वो देवता अपन विजय मालेलन। दानवेश्वर, 33 करोड़ देवता से भला कौन लाभ होगी, लेकिन वो सब पूरा तरह गणपति पे निर्भर बाड़े। गणपति 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 बोलेलन, वो केकर पति बा, वो छोट बालक हमार संगे युद्ध करी, चतुर्भुज से वरदान पाए वाला पुरुष के देख के वो इंद्र सोच के डरे लागल कि कहीं ओकर सिंहासन हमार ना हो जाए और थर थर कांपे लागल। वायु हमार प्रभाव के देख के चक्रवात के जैसन आकाश में घूमत रहेला, धक धक करके जले वाला अग्नि के ज्वाला हमार का बिगाड़ी है, ओकर सब ज्वाला समुद्र के लहर से टकरा के हमार सामने निशब्द हो जाएला, और जौन अष्ट दिक्पालक बाड़े तिनका के जैसन बिखर जाएला, 33 करोड़ देवता भी अगर एक साथ आ जाई हमार कुछ ना बिगाड़ सकी, काहे कि देव दानव जौन बाड़े नर मुर्गा यक्ष रक्षा गरुड़ गंधर्व किन्नर
किन पौरुष जिद सागी जौन बाड़े उनका अस्त्र शस्त्र जौन बा जितना भी प्राणी पक्षी बाड़े एक राम से क्यों से मौत के डर नहीं खे काहे कि हम चतुर्भुज ब्रह्मा से वरदान पाई ले पानी काहे रे हमरा मार बे सतु इंद्र प्रभु हमनी के चेतना भी हथियार बा खड़ा भाला परसु तीर बड़का हथियार गदा ई जितना भी अस्त्र शस्त्र बा ओकरा तैयार करा विनायक से रवा युद्ध करे जा रहल बानी ई युद्ध मत करे वो विनायक कौन सा बड़का महानायक बा वो छोट बालक हमारे सामने कुछो नहीं खे स्वामी रउआ के देवी के अनुग्रह प्राप्त नहीं खे उनकर क्रोध से अगर रउआ के कुछ हो गयी तो दानव के कुल के नाश के कारण रउआ कहलाई स्वामी दानव कुल के रक्षा खातिर हमार जौन प्रताप बा उ कल जौन युद्ध हो की ओकरा में दिखाए महाशक्तिशाली के बा ई ओई जे पता चले पहले भी दानव उनकर सामना कैलन का दानव लोग के नाश ना भइल स्वामी अहंकार में बह के दानव लोग उनकरा से युद्ध कैलन और उनकर का हा भइल ई रउआ जाने नी दया करके हमार मंगलसूत्र के हमरा भिक्षा दे दी आंसू दिखा के हमरा कायर बनाए के कोशिश मत कर कल सब देवता लोग के युद्ध में हरा के विजय प्राप्त करके आए वाला आपन पति के स्वागत करे खातिर आरती के थाली लेकर तैयार रहिए ना स्वामी हमार बात मानी ना स्वामी 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 तू ही बाड़े विनायक हाँ वो जौन मायावी देवता बाड़े उहे हमरा से युद्ध में हारे खातिर तोहरा हमरे सामने भेज ले बाड़े बालक है रहे दे बालक तू ही युद्ध हमार संगे मत करिए हमरा प्राण के चिंता नहीं खे लेकिन तू हमार प्रहार से बच सकवे तब बच बालक के युद्ध करे खातिर भेज ले बा कहाँ बा वो महेंद्र वो यही जना आके तोहरा भेज देलास और वो बैकुंठ में रासलीला कर रहल बा सेव और शक्ति दुन्नो आपन बेटा के शक्ति कैलाश पर बैठ बैठ कर दी है का देवी हाँ दानव सुर के संगे हमनी के बेटा विनायक के युद्ध प्रारंभ होके वाला बा और जीत शक्ति के होकी या भक्ति के होकी एक ऐसा प्रश्न बा परमेश्वर भक्ति के ही जीत होकी तू जब हमरा से युद्ध करे के ठान ले ले बाड़े तो तोरा से हराए खातिर सही शास्त्र के उपयोग करब काहे का भइल बालक वो चतुर्मुख ब्रह्मा से हम वरदान पाइले बानी है तोर कौनो अस्त्र शास्त्र हमार कुछ ना बिगाड़ सकेला Ha 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 ha
दानव तीनों लोक में आपन शक्ति से उत्पात मचा के रखल रहे, देवता लोक के ई अपमान कहीं लेबा, एकर घमंड के खंडित करे के रहल। आदि शक्ति के अवतार लेके महिषासुर के वध करे खातिर महिषासुर मर्दिनी उ दानव के वध करके ओकरा मोक्ष प्रदान कैली। हमार काम में काहे बाधा पहुंचा रहल बाड़ू माई? पुत्र, ई दानव सुर के पत्नी हमार परम भक्त बिया, ओकर मंगलसूत्र की रक्षा कैला हमार कर्तव्य बा। आपन भक्त के रक्षा खातिर हम जौन काम करेनी उ लोक कल्याण बा। गणपति, ई दानवसुर के गंधर्व लोक में मूषक बना के देव ऋषि के श्राप देबा त असुर बन के ही जी। एकर श्राप बदल के मूषक के रूप में आपन वाहन बनाला। माई, हमार पति अगर मूषक बन जाए तो हमार का होगी? देवी प्रिय भक्तिन, तू सौभाग्यवती रहा और हमेशा सुमंगली बन के रहबू। तुहार पति विनायक के साथ हमेशा पूजित रही हैं। धन्य बानी प्रभु, धन्य बानी।